मशहूर फिल्म मेकर निर्देशक कल्पना लाजमी का निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे उनका निधन हुआ। वो लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रही थी। बीते सप्ताह मंगलवार को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा में हुआ है। कल्पना के भाई देव लाजमी ने बातचीत में बताया कि कल्पना को डायलिसिस पर रखा गया था। वो बीते 3 साल से अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी। रुदाली, दरमिया और दमन जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन करने वाली कल्पना ने साल 2006 में अपनी आखिरी फिल्म चिंगारी का निर्देशन किया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सुष्मिता सेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मशहूर चित्रकार ललिता लाजमी की बेटी कल्पना ने फिल्मकार श्याम बेनेगल के असिस्टेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके निधन पर बॉलीवुड के तमाम सितारों ने दुख जाहिर किया है। बॉलीवुड कलाकार हुमा कुरैशी ने उनके निधन से जुड़ी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा था, इस खबर को सुनकर मैं दुखी हूँ। आज सुबह करीब 4:30 बजे कल्पना जी का निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। इसी तरीके से हंसल मेहता, रवीना टंडन और तमाम बॉलीवुड ने अपना शोक जाहिर किया है। बताते चलें कि कल्पना लाजमी ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल लोहित किनारे का भी डायरेक्शन किया है। आज भले कल्पना लाजमी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन फिल्म जगत में जो उनका योगदान है वो सदैव यादगार रहेगा। ईश्वर कल्पना जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।